नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम तिवारी है और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ, पिछले 2-3 सालों से मैं कंटिन्यू प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में ही काम कर रहा हूँ। और मैं फ़िलहाल इस वक्त नवी मुंबई में हूँ। और यहाँ नवी मुंबई में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और वन ऑफ द वेल प्लान सिटी है इन द एशिया। सो यहाँ पे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। सो आइए हम सब मिलके नवी मुंबई के क्षेत्र में एक बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी आपके लिए मैं लेके आता हूँ, और आपको उसका मैं पूरा डिटेल्स दूंगा, उसका वीडियो टूर कराऊंगा। आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, और कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉप लेना चाहिए, रूम्स लेना चाहिए, लैंड लेना चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए, ये सारी ही डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे आने वाले पूरे सीरीज़ में दूंगा। दोस्तों, मैंने ये भी नोटिस किया है कि नवी मुंबई क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, तो इनके रेट भी थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। सो आइए इस बार एक बजट फ्रेंडली हम लोग टूर करें और एक बजट फ्रेंडली रूम आप सभी को पेश करें। सो फाइनली हम लोग खारघर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। मेरे राइट हैंड साइड में खारघर रेलवे स्टेशन है और लेफ्ट हैंड साइड में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, और यहाँ से आप जाएंगे तो आप खारघर रेलवे स्टेशन के मेन गेट पे एंटर कर देते हैं। हमारी जो जर्नी है, जिस प्रोजेक्ट में मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो तलोजा फेज टू के पास में चिंद्रन जगह है, वहाँ पे है। और खारघर रेलवे स्टेशन से उसकी दूरी करीब करीब 7 किलोमीटर है, जिसे तय करने में मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लगेगा, वो हम रास्ते में देखेंगे। रास्ते में हम और भी आपको बताते हुए चलेंगे कि यहाँ आने वाले इन फ्यूचर क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या नए हब आने वाले, जैसे आईटी हब आने वाले हैं, और क्या क्या नए नए पॉइंट्स हैं जो बहुत ही हमें मद्देनज़र रखना होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं वो सब बताते चलूँगा। और दोस्तों, हम एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि हम जो भी प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे वो सबसे पहले बजट फ्रेंडली होगा, सेकेंड वो सारे 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 लीगल रहेंगे, लीगल इन अ सेंस उसमें रेगा, नैना और सिटको के अप्रूव। सिटको अगर आपने जानते दोस्तों, तो ये नवी मुंबई को डेवलप करने के लिए सिटको है। सो वो सिटको के अंडर, रेरा और नैना के अंडर वो रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से जर्नी, खारघर स्टेशन से हम लोग वहाँ जाते हैं, और कैसे रहेगी जर्नी और क्या क्या डेवलपमेंट है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। खारघर इस तरफ है, और ये यहाँ से अगर आप जाएंगे तो पुणे एक्सप्रेस हाईवे, और यहाँ पे कामोठे पड़ता है। तो यहाँ ब्रिज के नीचे से आप अगर लेफ्ट लेते हैं खारघर की तरफ से, तो आप स्ट्रेट 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 आपको हमारी साइड पे आप पहुँच जाएंगे, जिस साइड पे मैं जा रहा हूँ फिलहाल। और स्ट्रेट ये तलोजा का रोड है, या आप रोड पाली रोड बोलिए, ये वही रोड है। तो आपको इस रोड पर चलना है। और अभी क्योंकि ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी ये रास्ता अभी भी बन रहा है, इसे बनने में करीब 6-7 महीने लग सकते हैं, शायद उसके ऊपर भी लग सकते हैं ड्यू टू कोरोना। सो अभी हम ये रास्ते से नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा साइट वो नॉर्मल चालू होगा, वो यही रास्ते से चालू होगा, और अभी फिलहाल हम लोग ये रास्ते से जाने वाले। ओके, तो फाइनली हम लोग हमारी साइट पे पहुंच चुके हैं, और हमें खारघर स्टेशन से यहाँ आने के लिए करीब करीब 15 to 17 मिनट्स लगा होगा मैक्सिमम। तो अभी जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, काफ़ी सुंदर वातावरण भी, अभी काफ़ी सुंदर मौसम है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ मैं पहाड़ों से घिरा हुआ हूँ। आप मेरे पीछे अगर गौर करेंगे तो वहाँ हाजी मलंग साहब का दरगाह है वहाँ पे सामने, और ये सारी ही पर्वतमाला वहीं से जा रही है। दोस्तों, अब हम हमारे साइट के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। इतनी अच्छी, इतनी प्राइम लोकेशन पे नेचर के बीच में हमारा ये साइट बसा है, यहाँ पे वो बना है। सो मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा साइट के बारे में। एक हमारे कैमरे के पीछे ही हमारे साइट है, और ये एंट्रेंस आप समझ लीजिए जो अभी आप फिलहाल देखेंगे। तो ये जो रेड कलर की आप वॉल देख रहे हैं सर, तो ये रेड कलर की वॉल जागृति फाउंडेशन यानी ये स्कूल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा,
आप जहां पे भी रहे वहां हमें बेसिक क्या चीज चाहिए, स्कूल, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा, हॉस्पिटल, मार्केट और आपको रहने के लिए छत। दोस्तों सभी सभी चीजें आपको एक ही सर्कल, एक ही रेडियस में ही आपको मिल जा रही है। बिल्डिंग के गेट से 2 मिनट भी दूर नहीं आपको सामने रेड कलर का जो वॉल दिख रहा है, ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल है जिसका काम भी चल रहा है जोर शोर में और जो करीब करीब 6 महीने 1 साल में आराम से बन जाएगा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक ऑटो स्टैंड ऑलरेडी है, जो ये जगह आप देख रहे खाली पड़ी है, खाली जगह में ऑलरेडी एक ऑटो स्टैंड है जो अभी लाइव नहीं है, लेकिन जब ये बिल्डिंग बन रही है तो उसके साथ साथ हम इसे एक प्रॉपर ऑटो स्टैंड बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी दुविधाएं नहीं होने वाली आने और जाने में। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है ये फेज वाइज डिवाइडेड है, यानी एक फेज, दो फेज, ऐसे कुल हमारे पास 18 फेज है। दोस्तों ये आपने सही सुना, 18 फेज आया कि हमारे पास स्कूल है, हमारे पास अब ऑटो स्टैंड हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया 18 फेज में, कुल 18 फेज में दोस्तों, अब इस पे गौर डालिएगा 18 फेज, जिसमें एक फेज में करीब करीब 6 से 7 बिल्डिंगें आती है और हर एक बिल्डिंग G+4 यानी ग्राउंड फ्लोर और ऊपर 4 फ्लोर, ऐसे इस बिल्डिंगों के निर्माण हुए हैं। दोस्तों मेरे पीछे जो आप जितने भी प्रोजेक्ट देख रहे हो, जितना भी बिल्डिंगें देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक, सभी एक ही प्रॉपर्टी है, सभी एक ही डेवलपमेंट है और सभी टाउनशिप का ये प्लान है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के स्टार्टिंग के रूम रेट्स वगैरह बताना चाहूँगा ताकि आपको भी पता लगे कि क्या ये फ़ायदेमंद डील है, क्यों आप ये चैनल देख रहे हैं और क्यों ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स लेके चलेंगे, जैसे कि कोई भी जगह रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक छत है, तो उसके साथ साथ बिल्डिंग में सोसाइटी कैसी है, बिल्डिंग हमें क्या क्या फैसिलिटी दे रही है या ये बिल्डर हमें क्या क्या फैसिलिटी देंगे। हम सबसे पहले कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसे ज़रूरी यहाँ हो गया है पानी और इलेक्ट्रिसिटी की, हर एक इंसान की आजकल ज़रूरत है, नीड है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 24/7 पानी की फैसिलिटीज़ दी गई है। दोस्तों ज़मीन के नीचे टैंक और बिल्डिंग के छत पे टैंक ये बन चुके हैं और ये हम आपको टेरिस पे भी जाके दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जापानीज टेक्नोलॉजी से चीज़ें बनाई गई हैं, काफ़ी बेहतरीन टेक्नीशियन, काफ़ी बेहतरीन इंजीनियर्स हमें यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे जो अभी भी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, क्योंकि काम जोर शोर में चल रहा है। दोस्तों अभी हम जहाँ खड़े हैं दिस इज़ फेज़ 1 और हर एक फेज में जैसे कि मैंने आपको बताया है 6 से 7-8 बिल्डिंगें रहने वाली है, जिसमें आराम से आराम आप कुल मिलाए तो 300+ 300-400+ रूम्स होंगे। दोस्तों और एक हम धीरे धीरे आपको साइट पे लेके चलते हैं और एक कंप्लीट टूर आपको मैं ये पूरे साइट का दूंगा, ताकि आप जितने भी रुपये इन्वेस्ट करें वो ढंग की जगह पे करें, ना ही कोई फ्रॉड बिल्डर ना ही कहीं करें। दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी बताया था, हम जो भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, वो सब लीगल है, वो सब रजिस्टर्ड है। आपको साइड में स्क्रीन पे या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी रजिस्ट्रेशन नंबर्स और सब कुछ दिखेगा, जिसको आप गूगल पे जाके बेशक चेक कर सकते हो और आपको पूरी कंप्लीट डिटेल सर मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम फेज़ 1 में, आप अगर यहाँ गौर फरमाएंगे और आप जूम करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक रोड फेसिंग, अगर ये रोड हम पकड़े, इफ़ दिस इज रोड, तो एवरी रोड फेसिंग वी हैव शॉप्स। आप कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, एक ये टाउनशिप का प्लान है, यानी एक ही 4 बाउंड्री में आपको सभी चीज़ें मिलने वाली है। आप इतना बेहतरीन प्राइस में और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको शायद ही कोई दे, और जो कंप्लीट 100% लीगल हो। मेरे हिसाब से अगर ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों, आंख मून के आप विश्वास कीजिए मुझ पे और आप बेशक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ रहने आइए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप कुछ भी करिए दोस्तों, बट मौका हाथ से गंवाना ही एक बुरी बातें रहेंगे और आपको हम प्रॉपर्टी के बारे में भी समझाते रहेंगे। सो सबसे जो बेसिक चीज़ें मैं आपको फ्लैट के रेंट्स वगैरह बता देता हूँ, रेट्स बता देता हूँ कि क्या है, कितने में आएगा और क्या क्या इसमें सुविधाएँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की। दोस्तों 1 RK यानी 1 रूम एंड किचन आपको कितने में पड़ेगा? करीब अगर आप गेस करें तो मुंबई जैसे शहर में, नवी मुंबई जैसे शहर में, इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे मेट्रो चलने वाली है, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, लाखों प्रोजेक्ट है कि आप याद ना रख पाओ, इतना बड़ा विकास है कि आप याद ना रख पाओ। एशिया का नंबर 1 प्लान सिटीज में आने वाली है नवी मुंबई, ऑलरेडी 6 नंबर पे दोस्तों, ऊपर बढ़ने वाली है, और आप कहाँ पे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? कहीं नहीं। सो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 1 RK का शुरुआत यहाँ 13 लाख रुपए से सिर्फ हो रहा है, ओनली 13 लाख, जिसमें
जिसमें सारे टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सारे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस फ्री है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मात्र 13 लाख रुपए से रूम चालू होते हैं 1 आर के, और मैं अगर 1 BHK की बात करूँ दोस्तों तो मात्र 23 लाख रुपए, 23 लाख दोस्तों, 23 लाख, मात्र 13 लाख रुपए से दोस्तों रूम चालू होते, जिसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सारे ये वो चार्जेस सब कुछ है। आपको सिर्फ डिपॉजिट देना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन फीस देना है और आपको पीछे हट के बैठ जाना है। आपको कोई काम नहीं करना, कोई मगजमारी नहीं करना, वो सभी हमारे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर आप सर छोड़ सकते हैं। अब हम बात करें अगर 2 BHK फ्लैट्स की, तो दोस्तों 2 BHK फ्लैट मात्र 33 लाख रुपए में, यस, जहां 1 RK की फ्लैट 33 लाख रुपए है, वहां हम आपको 2 BHK विथ पार्किंग विथ ऑल डॉक्यूमेंटेशन आपको हम 33 लाख रुपए में दे रहे हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से इतना अच्छा बजट फ्रेंडली और इतनी अच्छी जगह आप देख सकते हैं। मैं अब साइट पे नहीं है, लेकिन आप बेशक वीडियो के थ्रू भी आप महसूस कर सकते हैं कि कितना सुंदर वातावरण है, चारों तरफ हरियाली, माउंटेंस है। ये कुछ नहीं तो मैं इसे आपका ड्रीम हाउस ही बोलूँगा, क्योंकि ये सभी का ड्रीम हाउस है, सभी का सपना होता है कि हम ऐसी जगह पे आके रहें, ऐसे बड़े टाउनशिप में रहें। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम आपको और भी इस बिल्डिंग के बारे में बता पाएं, इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता पाएं, ताकि आप अगर अपना 23 लाख रुपये भी डालें तो भी वो आपका वाया ना जाए, तो भी वो आपका बर्बाद ना जाए। दोस्तों हम लोग फेस 1, जिसका नाम है कोनार गार्डन्स, कोनार गार्डन के बोर्ड पे हम जूम करेंगे और आपको इसका रजिस्टर्ड नंबर भी दे देंगे। यहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, हर एक फेस का एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसके द्वारा आप उसके बारे में सारी लीगल डिटेल्स पता कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा रेरा नंबर क्या होता है या रेरा क्या होता है। रेरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे ही कोई भी बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में वो एक लीगलाइजेशन है। अगर उस कोई भी प्रॉपर्टी के पास रेरा नंबर है तो वो बेशक गलत नहीं है दोस्तों, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ आप एक स्मार्ट ग्राहक हैं। और जो रोड के बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमने फूड लाइन ब्रिज के यहाँ दिखाया था, वो रोड दोस्तों यही रोड है, वो वहाँ से हम आए स्ट्रेट और यही रोड पे मिल जाएंगे। दोस्तों मैं ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं तो अभी भी यूज़ करने लायक है, लेकिन हम आपको ये रोड नहीं देने वाले। हम फुल फ्लैश आपको एक प्रॉपर पक्का रोड बना के हर एक इंटरनल रोड देंगे। दिस विल बी आवर मेन रोड, और जो इसकी चौड़ाई होगी दैट विल बी 36 फीट, 36 फीट की चौड़ाई दोस्तों इस रोड की होगी, जो कि शायद मेन रोड्स, बाहर के रोड्स की नहीं होती। वो चौड़ाई के साथ साथ हम यहाँ पे आपको देंगे। आपको मैंने जैसे बताया, यहाँ पे हर एक रोड फेसिंग शॉप्स है, जो कि आपके टाउनशिप प्लान को और फुल फ्लैचली आपको काम कराएगी, वो और आपकी हेल्प करेगी कि आपको बाहर दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा कोई भी सामान वस्तु लेने के लिए। आपको मेडिकल, ATM, आपको खाने पीने का सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ इतनी हज़ारों दुकानों में ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आइए हम कोनार गार्डन, जो कि हमारा फेस 1 है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल और शेयर करते हैं, थोड़े रूम के सैंपल्स दिखाते हैं आपको, और मैं आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ है और ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँगा। फेस 1 कोनार गार्डन, काफ़ी खूबसूरत इमारतें अभी भी मेरे सामने खड़ी है दोस्तों, और शायद यहाँ पर मैं 4 जोड़ी कपड़े लेके आ जाऊँ तो भी आराम से रह सकता हूँ। जी हाँ, ये काफ़ी क्या सर, पूरा ही रेडी हो चुका है, और हमने जो आपको कहा एक भी इंफॉर्मेशन हम गलत नहीं देते। हर एक फेस में सर आप देखिएगा, हर एक फेस में आपको गार्डन दिया जा रहा है। ये जो आप लाल मिट्टी देख रहे हैं, लाल मिट्टी के ऊपर ये लेवल होके यहाँ पे गार्डन बनेगा। हर एक फेस में मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दिया जाएगा। कहाँ इलेक्ट्रिसिटी सर, जनरेटर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जूम करें अगर, ठीक है, हर एक पीछे जनरेटर देखिए सर, हर एक फेस में एक अलग से ट्रांसफार्मर है। ताकि बहुत सारे टाउनशिप के मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ, और ये हमारी एक पॉजिटिव पॉइंट्स है ये डेवलपमेंट की, क्योंकि हर एक जो मैंने टाउनशिप प्लान ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं या जो भी मेन कनेक्टिविटी होते हैं, वो सब एक ही जगह होते हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो सारे फेस को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर एक फेस को अपनी पर्सनल जनरेटर्स है जो पावर बैकअप आपको दे सकती है, घंटों ही घंटों चलेंगे, और हर एक फेस को एक खुद का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी बात है एक सोसाइटी के लिए। तो ये फेस में आपको मैं एक रूम्स दिखाऊंगा, जैसे कि हमने आपको बताया G+4 का हमारा प्लान है। और दोस्तों एक और बात के ऊपर मैं आपको आकर्षित करना चाहूँगा और आपका ध्यान में लगाना चाहूँगा कि काफ़ी टाउनशिप प्लान में और ये G+ कॉन्सेप्ट वाले प्लान्स में लिफ्ट नहीं होती।
पर हम ऐसा नहीं करते दोस्तों। हमारे घर पे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो किसी के तकलीफ है, किसी के पैरों में लगा हो कि वो चल नहीं पा रहा ढंग से, हम उनके लिए भी सोचते हैं दोस्तों। और उनके लिए हमने हर एक विंग में, हमारे जो बिल्डर ने हैं उन्होंने हर एक विंग में लिफ्ट दिया है, हर एक इसको लिफ्ट दिया है। जैसे हमने आपको बताया हर एक फेस में आपको लिफ्ट दिया जा रहा है दोस्तों। ये हमारी लिफ्ट है जो अभी फ़िलहाल तो लॉक है, लेकिन बेशक ये लिफ्ट आपको दिया जा रहा है। या मैं आपको दिखा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, झूठे वादे करके मैं आपको आपके पैसे और आपका समय नुकसान नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं आपके लिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मैं हर एक प्रॉपर्टी में पर्सनल विजिट करके मैं बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें, ए टू जेड चीज़ें बारीकी से आपको दिखाऊंगा, ताकि आप आँख मूंद के घर बैठे सिर्फ एक कॉल पे ये प्रॉपर्टी बुक कर पाए। दोस्तों आपको आने की भी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ आपका दोस्त शिवम तिवारी आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। आइए हम एक रूम देखते हैं जो कि 1 BHK रूम है, और अभी क्योंकि फ़िलहाल लिफ्ट बंद है तो हम सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और आपको मैं वो रूम दिखाता हूँ। और दोस्तों आप एक चीज़ गौर करिए दोस्तों, आपका जो ये पैसेज एरिया या जो स्टेयरकेस एरिया है ये भी काफ़ी वेल प्लान्ड है। ये इस तरीके से प्लान किया गया है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन, यानी जैसे कि फायर लगने पे, आग लगने पे दोस्तों आप कैसे निकल पाए, ये कर्व दिया गया है ताकि आप आराम से निकल पाए। सीढ़ियों की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, सीढ़ियाँ 8 से 9 सीढ़ियाँ ही होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि बहुत लोग फॉलो नहीं करते। मैंने आपको बताया मॉडर्न टेक्निक से बनी हुई ये इमारतें आपको लंबे समय तक साथ देने वाली है, आपके रहने के लाइफस्टाइल को एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लग्जरियस फील देने वाली है। आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पहले 1 BHK रूम में, जो कि कोनार गार्डन फेस 1 में है। दोस्तों टोटल में आपको एरिया की बात करूं तो ये 600 स्क्वायर फीट का एक लैविश, सुंदर, सब कुछ फुल फ्लैच दिया गया हुआ एक 1 BHK रूम है। ये हमारा सैंपल रूम है, मैं आपको सीलिंग्स दिखाना चाहूँगा, काफ़ी खूबसूरत सुंदर लाइटों के साथ हमारी सीलिंग्स हैं और काफ़ी शांत कलर में छोटे मोटे फर्नीचर हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लगाया। आप बेशक अगर साइट पे आना चाहे तो आप आके यहाँ पे बैठ के आनंद ले सकते हैं, रूम के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अंदर इन्वाइट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप अंदर आइए और ये रूम को देखिए, ये प्रॉपर्टी को देखिए कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। शिवम भाई क्यों बोल रहे हैं कि इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 600 स्क्वायर फीट का एरिया आपको मात्र 23 लाख रुपए से। अरे दोस्तों अगर आप निकालेंगे तो मेरे ख्याल से मुंबई में मैं चैलेंज दे सकता हूँ, ये सबसे सस्ती प्रॉपर्टीज है। और जिस वादे के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं वादा हम पूरा करेंगे। दोस्तों एक और बात पे मैं आपका नजर लाना चाहूंगा, बालकनी हर एक रूम को दी गई है, हर एक फ्लैट्स को बालकनी दी गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, चाहे आप कल को फ्यूचर में अगर आपको और भी कुछ ग्रोथ करना है, बालकनी डेवलप करना है या कुछ भी करना है, तो बेशक आप सर वो कर सकते हैं। आइए हम अंदर थोड़ा बढ़ेंगे और अंदर मैं आपको बाथरूम दिखाना चाहूँगा। अंदर ही आते आते हमारे राइट हैंड साइड में आप वॉशरूम देख सकते हैं, दिस इज बाथरूम आप यहाँ पे, और बाथरूम के लेफ्ट साइड में हमने थोड़ा दीवार रखा है, थोड़ा दीवार छोड़ा है। क्यों? क्योंकि बाथरूम को हम डायरेक्ट ना ही किचन की तरफ फेस करना चाहते हैं, ना ही बाथरूम को हम डायरेक्ट हॉल की तरफ फेस करना चाहते हैं दोस्तों। तो अब हम किचन के एरिया में आते हैं, आप किचन देख सकते हैं, किचन काफ़ी बड़ा है। आप अगर मैं हाथ भी स्ट्रेच करूं तो मुझे 2 लोग की जगह लगेगी यहाँ पे, यानी आराम से आप यहाँ पे अगर फ्रिज रखे, कुछ भी रखे, आप एकदम आराम से रह सकते हैं। आप अंदर की स्पेसिंग देख लीजिए सर, सर देखिए ये कहाँ आ गए हम 23 लाख रुपये में। ऐसा लगता है कि 40-45 लाख के फ्लैट में आप खड़े हैं। जैसा आपको मैंने बताया हर एक बालकनी, सबके साथ बालकनी क्यों दिया जा रहा है? अरे कौन देता है ये सब? सिर्फ और सिर्फ वेल प्लान्ड और बड़े बड़े बिल्डर्स ही दिया करते दोस्त। आइए मैं बाहर आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीजें दिखाता हूँ। बालकनी में दोस्तों स्विच का और ये इसका क्या काम? ये वाटर सप्लाई के लिए दोस्तों, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगाइए, बाहर बर्तन धोइए, कुछ भी करिए, आपको वाटर सप्लाई दिया गया है, वहाँ से खींच के एक पाइप लाने की ज़रूरत नहीं है। लाइट दिया गया है, वॉशिंग मशीन लगाइए, कुछ भी लगाइए यहाँ पे और यहाँ से ही चालू करिए। आप बालकनी 100% यूज़ करिए, यही हमारा मकसद है, हर एक कोना इस्तेमाल होना चाहिए। आइए हम अंदर बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर बढ़ते ही बाथरूम, दिस इज़ आवर वॉशरूम WC, और ये इंग्लिश वेस्टर्न WC है जो कि हम इंडियन भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है जिसमें
वॉशरूम के लिए क्या ही लगेगा। आइए हम बेडरूम की बातें करते हैं। तो बेडरूम सर, बेडरूम में ऑलमोस्ट हर एक चीज ऑलरेडी फिटेड है। ऑलरेडी यहाँ पे जो साइज का एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ बेड रखा है, एक कबर्ड बनाए तो भी इतनी जगह है कि मैं आराम से 2-3 लोग आराम से घूम सके। इतनी अच्छी खासी स्पेसिंग है। मैं आपको चाहूंगा कि आप पूरा एक रूम एक बार सर्कल करके 360 डिग्री में दिखाए, आप सीलिंग्स दिखाए, आप फॉलिंग सीलिंग्स का यहाँ काम किया गया है। कौन करता है दोस्त ऐसा? और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मैंने आपको कहा ना बालकनी सभी के साथ है, तो इसके साथ क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्त, मेरे साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ग्रिल्स लगे हुए हैं वहाँ पे, आप जो स्लैब देख रहे हैं वहाँ पे आप एक बेशक आप आगे डेवलप कर सकते हैं। मेरे कस्टमर, मेरे ग्राहक, मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, इसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। हमारा कोनार गार्डन यानी फेस वन का सिर्फ एक छोटा सा रूम, 5,500 रूम में से सिर्फ ये हमारा 5,500 प्लस रूम सर, 5,500 भी नहीं कहूँगा, 5,500 से ज़्यादा रूम्स बनने में ये सिर्फ हमारा एक सैंपल रूम आपको दिखाया गया है सर। यहाँ पे हमारे पास 1 RK, 2 BHK, शॉप्स, लैंड सब कुछ अवेलेबल है, और मैं सब कुछ आपके लिए एक एक करके लाता रहूँगा। मेरे को सिर्फ इतना ही है, मुझे सिर्फ इतना ही है कि आप अपने 1 रुपये भी डालें तो कहीं ढंग की तरह डालें।